हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये स्ट्रेटजी सिर्फ 15 मिनट ही ट्रेड करनी है, 3 बजे से लेके 3:15 तक। एंड इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने 3 PM स्ट्रेटजी ही दिया है, बिकॉज इस स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ 15 मिनट ही ट्रेड करना है 3 PM से लेके 3:15 तक। जो भी ऑफिस वगैरह जाते हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, अब उनकी भी सारी शिकायत दूर हो जाएगी, बिकॉज वो भी ये स्ट्रेटजी ट्रेड कर पाएंगे। बिकॉज आपको पूरे अपने जो बिजी शेड्यूल है उसमें से सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं, एंड अगर आप सिर्फ 15 मिनट निकाल सकते हैं देन डेफिनेटली आप ये स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए फिर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलते हैं एंड स्ट्रेटजी के बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं, एंड उसका फिर आपको मैं बैक टेस्ट रिजल्ट भी दिखा दूंगा ताकि थोड़ी आपको और ज्यादा कन्विक्शन आ जाए। सो गाइस, ये मैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, एंड जिनको भी नहीं मालूम ये एक बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अलग अलग स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट कर सकते हैं, एंड इसमें आप फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको लाइव ट्रेड का ऑप्शन मिलता है एंड आप पेपर ट्रेड भी इसमें कर सकते हैं। जो भी सिस्टम ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं इसमें वो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एल्गो टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं एंड एक बार डेफिनेटली देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मजा आएगा इसको यूज करके। आज की जो स्ट्रेटजी है वो हम बैंक निफ्टी में देखने वाले हैं। वेल, एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटजी मैंने कुछ टाइम पहले निफ्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, एंड उन्हीं कुछ सब्सक्राइबर्स का डाउट था कि सर एक बार मुझे बैंक निफ्टी में भी दिखाइए, इसीलिए हियर इट इज। इसलिए आज हम बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी देख रहे हैं। गाइज, ये बैंक निफ्टी में होने वाली है जिसमें एंट्री टाइम रहने वाला है 9:45 AM, एग्जिट टाइम रहने वाला है 3:15 PM। काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, बिकॉज मैंने बोला था कि स्ट्रेटजी सिर्फ 3 बजे से लेके 3:15 तक है, तो आप सिर्फ 2 मिनट वेट करिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। गाइज, ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, इसलिए हम एक कॉल ऑप्शन बाय करने वाले हैं एट द मनी, वहीं एक पुट ऑप्शन हम बाय करने वाले हैं एट द मनी, जिसमें हम रेंज ब्रेकआउट का वेट करेंगे 3 बजे का। 3 बजे का कॉल ऑप्शन में एंड पुट ऑप्शन में दोनों में ही हम 3 बजे का वेट करेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 20% ऑन ईच ऑफ द लेग्स। वेल, रेंज ब्रेकआउट का क्या मतलब है? वेल, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। 9:45 पे आपको एक्चुअली ट्रेड नहीं लेनी, 9:45 पे जहां पे भी बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है एट द मनी का, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चार्ट हटा देना है, जो अंडरलाइन चार्ट है उसको आप हटा दीजिए। अब वो जो आपने स्ट्राइक सेलेक्ट किया है उसके आपको ऑप्शंस के चार्ट में जाना है। अब सपोज मान लो 40,000 का ATM स्ट्राइक है जो आपने सेलेक्ट किया है 9:45 पे, जो एट द मनी चल रहा था। अब आपको चार्ट हटा देना है, आपको 40,000 के कॉल ऑप्शन एंड 40,000 के पुट ऑप्शन के चार्ट को ट्रैक करना है, एंड उसमें चार्ट में आपको देखना है कि 9:45 से लेके 3 o'clock तक आपको उसको ट्रैक करना है पूरा, एंड जो भी 9:45 से 3 o'clock तक का हाई बनता है उसको आपको मार्क कर लेना है, एंड जैसे ही 3 o'clock से 3:15 के बीच में कभी भी वो हाई अगर ब्रेक होता है देन उसमें आप एक ट्रेड ले लेंगे एंड 3:15 पे आप एग्जिट कर देंगे। वेल, आपको कुछ भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, डजंट मैटर, 3:15 पे आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर देंगे। एक बार ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बताया है, एक बार ये मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद मैं आपको इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी दिखा दूंगा। अब जैसे आप एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं कि अब जैसे ये मैंने ले लिया है जिसमें 9:45 पे आप देख सकते हैं, जैसे ये रेड कैंडल है इसके 9:45 पे 42,300 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है एट द मनी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो पता चल गया कि 42,300 का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। अब हमें ये चार्ट हटा देना है, हमें ऑप्शंस के प्रीमियम में जाना है। इसमें हम देखेंगे ना, तो मैंने इसमें 42,300 का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। अब इसमें 42,300 का कॉल ऑप्शन एंड 42,300 का पुट ऑप्शन का जो चार्ट है उसको आपको ट्रैक करना है। अब जैसे हम देख सकते हैं, ये मैंने पहले मैं आपको 42,300 का कॉल ऑप्शन का चार्ट दिखा देता हूं। अब जैसे 9:45 पे हम देखेंगे जो ये रेड कैंडल है, इसने 9:45 पे देखेंगे तो 266 का चल रहा है ये, यहां से लेके अब हम 3 बजे तक ये चार्ट को ट्रैक करेंगे। अब आप देख सकते हैं 3 कहां बज रहे हैं। 3 जो ये ग्रीन कैंडल है इसको मैं बड़ा कर देता हूं, तो जो ये ग्रीन कैंडल है इसके एंड पे, इसके टॉप पे 3 बज रहे हैं जो है 177 पे। अब इसको मैं एक बार आपको वापस बता देता हूं, 9:45 पे ये ऑप्शन प्रीमियम चल रहा था 264 का, एंड 3 बजे ये ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है 177 का। इसमें बहुत ही क्लियर है कि 9:45 से लेके 3 o'clock तक हमें ये ट्रैक करना है, एंड इसमें देख सकते हैं 9:45 यहां पे थे,
एंड 3 o'clock यहाँ पे है 177 पे। इस रेंज में सबसे हाई क्या बनाया है, सबसे हाई है ये वाला रेंज जो है 320 का प्रीमियम। सो 10:05 पे 320 का प्रीमियम था जो सबसे ज्यादा हाई है। अब हमें क्या करना है, 3 बजे के बाद हमें 315 तक मार्केट ट्रैक करनी है। एंड जब भी 3 o'clock से 315 के बीच में ये 320 का जो आज जो उस दिन का हाई था, अगर वो ब्रेक होता है इमिडिएटली हम एंट्री ले लेंगे। सो इसमें 320 का हाई था, सो जैसे ही जो ऑप्शन प्रीमियम है 40 to 300 का, वो 320 के ऊपर जाता है, अगर 321 भी हो जाता है, देन उसमें हम एक ट्रेड ले लेंगे जिसमें हम 40 to 300 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, 40 to 300 का, सो 40 to 300 का 321 rupees का हम बाय कर लेंगे। जैसे ही वो 320 का जो ऑप्शन प्रीमियम है उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा, हम उसको बाय कर लेंगे। एंड 3 o'clock से 315 के बीच में ही आपको ये बाय करना है। एंड 315 पे कुछ भी हो जाए, आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आपको लॉस हो रहा हो, आपको ब्रेक इवन हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन 315 पे एग्जैक्टली आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर देंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। सो अब तो इसमें हमने जैसे देखा है कॉल ऑप्शन में हमें ट्रेड मिली नहीं, बिकॉज उसका रीजन ये है कि यहां से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल की है, जिसकी वजह से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। सो अब यही सिचुएशन हम एक बार पुट ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि क्या हमें पुट ऑप्शन में ट्रेड मिला या नहीं। सो अगर आप पुट ऑप्शन में देखेंगे ना, तो 9:45 पे जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसके टॉप पे इसके अगर हम देखेंगे तो 269.5 पे चल रहा था 9:45 पे 42,300 का पुट ऑप्शन। अब हम इसको 3 बजे तक ट्रैक करेंगे। वेल, इसमें हम देख सकते हैं 125 पे ये जो हाई बनाया है ये 510 का। एंड इसके बाद 3 बजे तक हम ट्रैक करेंगे इसको मार्केट को। सो 3 बजे तक आप देख सकते हैं जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसके टॉप पे 3 बजे हैं एंड ये 377 पे चल रहा है। सो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं 9:45 से लेके 3 बजे तक का जो हाई बनाया है वो 125 पे बनाया था जो 505 का है। एंड हमने देखा है 3 बजे के बाद, वेल यहाँ पे 3 बजे थे, उसके बाद 315 तक ये वाला जो रेंज है, ये जो 504 का जो ऑप्शन हाई बनाया था वो ब्रेक नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें इसमें नई एंट्री नहीं मिली। तो हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर दिन पे 40 to 300 का जो स्ट्राइक प्राइस था, जो हमने ITM सेलेक्ट किया था 9:45 पे, उसमें हमें कॉल ऑप्शन में भी एंट्री नहीं मिली और हमें पुट ऑप्शन में भी एंट्री नहीं मिली, बिकॉज 9:45 से लेके 3 बजे तक में जो ऑप्शन का हाई बनाया था कॉल ऑप्शन ने भी एंड पुट ऑप्शन ने भी, वो हाई 3 बजे से लेके 315 तक ब्रेक नहीं हुआ। सो अगर वो ब्रेक नहीं होगा देन उसमें हम एंट्री नहीं लेंगे एंड उस दिन हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो गाइज, इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसा हमने ये एग्जांपल देखा है, जरूरी नहीं है कि आपको रोज इसमें ट्रेड मिले, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट अगर साइडवेज चल रही है उसकी वजह से जो ऑप्शन का हाई बनाया है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों में, वो ब्रेक हो ही ना 3 o'clock से लेके 315 तक, उसकी वजह से हमें उस दिन ट्रेड नहीं मिलेगी। एंड वैसे ही हम कुछ चाहते हैं ना, बिकॉज हम यही चाहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में हमें सिर्फ तभी एंट्री मिले जब एक बहुत अच्छा मूवमेंट आना हो मार्केट में। एंड ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक भी यही है, बिकॉज हमने देखा है 3 बजे से लेके 315 तक बहुत ज्यादा मार्केट में चौपीनेस रहती है एंड एक बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी बड़ी मूव आती है। सो जब भी मार्केट में 3 बजे से लेके 315 तक वो एक बहुत बड़ी मूव आएगी, हम वो मूव कैप्चर कर लेंगे एंड हम उसमें काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जिसमें आपको ट्रेड नहीं मिलेगी एंड इसलिए बोला जाता है कि ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आपको रोज ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ कुछ दिन ट्रेड लेना है जिसमें आपको बहुत अच्छा पैसा बन जाए। और आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि हमने स्टॉप लॉस 20% रखा है ऑन ईच ऑफ द लेग्स। सो अगर मान लो हमें एंट्री मिल जाती 320 के प्रीमियम पे, जो हमने देखा कि 40 to 300 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर वो 320 का जो हाई था, अगर वो 320 का हाई ब्रेक कर देता, देन 320 पे अगर हमें एंट्री मिली है, देन 320 का हम 20% का स्टॉप लॉस रखते एंड उसमें फिर हम ट्रेड करते। एंड इसमें एक और अच्छी बात है कि कभी भी आपको एक ही दिन में 2 एंट्री नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको कॉल ऑप्शन में भी एंट्री हो जाए एंड आपको पुट ऑप्शन में भी एंट्री हो जाए, आपको हर बार किसी एक में ही एंट्री होगी, या तो कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, जिसकी वजह से आपको मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम लगने वाला है एंड मार्जिन की तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं तो। सो गाइस, आई होप आपको सारी स्ट्रैटेजी समझ आ गई जो मैंने समझाई है। एंड चलिए अब इसका एक बार मैं आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट दिखा देता हूं। सो इसका अगर आप बैक टेस्टिंग रिजल्ट देखेंगे तो 2017 से अवेलेबल है बैंक निफ्टी में डेटा। सो ये पूरा इंडिविजुअल मंथ का चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। एंड अब इसमें हम दिखाएंगे ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट 1,04,000 rupees हुआ है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है 299, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड है 350 rupees, विन परसेंटेज है 56%। गाइज, अगर ऑप्शन बाइंग में आपको 56% की विन परसेंटेज मिल रही है, इट इज लाइक रियली गुड,
लॉस परसेंटेज आपका 43% है एंड एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड है 1192, एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड है 728 रुपीज। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है एंड मैक्स ड्रॉडाउन इसका है 10,000 रुपीज, रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन है 1.75 एंड इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.64, एक्सपेक्टेंसी आपको काफी अच्छी मिल रही है 0.48 की, विन स्ट्रीक है आपकी 8 डेज, लूजिंग स्ट्रीक है आपकी 6 डेज, तो 6 दिन कंटिन्यूसली आपको लॉसेस हो सकता है। सो इसलिए जो भी बिगिनर्स हैं अगर वो ट्रेड करते हैं स्ट्रेटजी, अगर उनको 4, 5 या 6 दिन में कंटिन्यूस लॉस हो जाता है उनको होप नहीं खोनी, बिकॉज उनको मालूम है 6 दिन कंटिन्यूसली उनको लॉस हो सकता है ये स्ट्रेटजी में। सो गाइस यही है बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी, इसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा ट्वीट मैंने करके देखा है, वेल मंडे टू फ्राइडे है ये स्ट्रेटजी। सो अगर मैं इसमें आप देखें ना, मंडे टू फ्राइडे में ओवरऑल प्रॉफिट है 1,04,000 एंड इसमें मैक्स ड्रॉडाउन है 10,000। सो हमें तो कुछ ऐसा करना है कि हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा कम ना हो, लेकिन हमारा मैक्स ड्रॉडाउन थोड़ा कम हो जाए, हमारी एक्सपेक्टेंसी थोड़ी इंक्रीज हो जाए। अगर हम वैसा कर सकते हैं देन डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। सो इसमें हम क्या करते हैं, वेल मैंने ये करके देखा है कि अगर आप मंडे हटा देते हैं ना, अगर आप मंडे हटा के ट्रेड करते हैं देन ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो जो 1,00,000 रुपए था वो 92,000 हो चुका है, लेकिन आपका मैक्स ड्रॉडाउन काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, अब आपका मैक्स ड्रॉडाउन सिर्फ 7,000 रुपीज है एंड आपकी एक्सपेक्टेंसी आप देखिए कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, जो पहले 0.48 थी अब वो 0.55 हो चुकी है, विच इज लाइक रियली रियली गुड। रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपका इंक्रीज हो चुका है 1.77 का हो चुका है एंड रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन आपका इंक्रीज हो चुका है 2.18 का हो चुका है अब, एंड आपकी लूजिंग स्ट्रीक भी थोड़ी कम हो गई है, अब आपकी सिर्फ 5 दिन की लूजिंग स्ट्रीक है। सो ऐसे छोटे छोटे ट्विक्स आप खुद करके देख सकते हैं। वेल जो ये मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इट इज जस्ट अ प्लेन वनीला स्ट्रैटेजी एंड इसमें अब आप खुद अपने ट्वीक्स करके देखिए एंड आप देखिए कि मतलब ऐसा क्या ट्वीक है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ, जो आपके मेंटल साइकोलॉजी के साथ फिट हो एंड उसको अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। सो गाइस इसमें आप देख सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट 1,00,000 रुपए है एंड मैक्स ड्रॉडाउन 10,000 है। तो चलिए इसमें हम एक बार 0.5% की स्लिपेजेस भी डाल देते हैं, देख लेते हैं कि क्या ओवरऑल रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो वेल रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा बिकॉज अभी भी 73,888 रुपीज का आपको ये प्रॉफिट दे रही है, मैक्स ड्रॉडाउन आपका 14,599 रुपीज हो चुका है, एक्सपेक्टेंसी आपकी 0.33 की हो चुकी है। तो इसमें हमने स्लिपेजेस डालने के बावजूद हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा पैसा कमा के दे रही है, सो इट इज लाइक रियली गुड। एंड इसमें अगर हम वापस से मंडे हटा देते हैं, सो अगर हम मंडे वापस हटा के देखेंगे सो ओवरऑल रिजल्ट आपका इसमें 68,000 हो चुका है, लेकिन आपका मैक्स ड्रॉडाउन में काफी रिड्यूस हो चुका है। सो ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये मैं स्लिपेजेस डालने के बाद बता रहा हूँ, तो आपको स्लिपेजेस डालने के बावजूद सिर्फ 10,000 का इसमें मैक्स ड्रॉडाउन है एंड एक्सपेक्टेंसी आपको 0.4 की मिल रही है, विच इज लाइक रियली गुड। एंड इसका यही मतलब है कि डेफिनेटली आप ये स्ट्रेटजी तो जरूर फॉलो कर सकते हैं। वेल अब इसमें यही है ना कि आप एक बार खुद इसमें ट्राई करिए, इसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करिए एंड आप देखिए कि क्या चीज आपको ज्यादा सूटेबल करती है, उस वजह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आपको फायदा होने वाला है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं थोड़े मार्जिन के बारे में। सो मार्जिन इसमें जो आपका टोटल लगने वाला है वो 30,000 से लेकर 35,000 लगने वाला है, उससे ज्यादा मार्जिन आपको नहीं लगेगा एंड ये चीज मैं मैक्स ड्रॉडाउन भी इंक्लूड करके कह रहा हूँ आपको। सो अगर आपके पास 30,000 है अकाउंट में देन डेफिनेटली आप इसमें एक लॉट में तो डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसमें क्या है, बहुत लोग अगर मान लो सिर्फ एक एक लॉट से ट्राई करना चाहते हैं देन उसमें ब्रोकरेज कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जाती है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, वेल फिनवेजिया करके एक ब्रोकर है। सो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सो फिनवेजिया एक ब्रोकर है जो ब्रोकिंग नहीं लेता है, जो ब्रोकरेज बिल्कुल उसकी जीरो है। सो अगर आपको कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है उसमें जाके आप डेफिनेटली टेस्ट कर सकते हैं एंड उसमें लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो काफी कंपाउंडिंग हो जाएगी एंड वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, ये था आज की स्ट्रेटजी के बारे में, आई होप आपको पूरी स्ट्रेटजी समझ आ गई हो एंड अगर आप ये लॉन्ग रन में फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली 35-45% का रिटर्न आप एनुअली इसमें गारंटीड इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्लिपेजेस हटा दूं तो भी इसमें आप 35-45% एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इसमें फायदा क्या है ना, अगर आप ऑप्शन बाइंग में ऐसी कोई सिस्टम ट्रेडिंग करते हैं देन इसमें आपको ओवरऑल काफी इसमें फायदा होता है बिकॉज इसमें आपकी कंपाउंडिंग थोड़ी क्विक होती है। बिकॉज वही अगर आप ऑप्शन सेलिंग से कंपेयर करेंगे अगर आप ऑप्शन सेलिंग नेकेड करते हैं देन उसमें अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे हर लॉट के लिए आपको 2,00,000 रुपए लगता है। सो अगर आपको कंपाउंडिंग करनी है, अगर आपको एक लॉट अपना बढ़ाना है आपको 2,00,000 रुपए कमाने पड़ेंगे। सो मतलब ये थोड़ा प्रोसीजर स्लो हो जाता है, लेकिन वहीं ऑन दी अदर एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं सो आपको एक लॉट अगर बढ़ाना है यू जस्ट हैव टू पे 35,000 रुपीज, सो विच इज लाइक रियली गुड। एंड जहां आपको एक लॉट के लिए 2,00,000 रुपए लग रहे हैं
वहीं अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप इसमें खुद सोच सकते हैं, यू कैन एटलीस्ट ट्रेड विथ 6 लॉट्स, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इसमें। इसलिए ऑप्शन बाइंग की ये वाली स्ट्रेटजी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है, आप इसको एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटजी लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सकती है, देन डेफिनेटली आप इसमें थोड़ा अपना रियल कैपिटल भी डाल सकते हैं एंड उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स इट टुडे, ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए अगर आपको कोई डाउट है तो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था आज के लिए, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।